नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का आज सबसे बड़ा ऐलान, मोदी सरकार ने दे दी है इजाजत। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको ये खबर विस्तार से, कौन कहाँ कब कैसे कहाँ से जा सकता है दोस्तों। उससे अगली खबर में बताएंगे, जहाँ पर योगी सरकार ने दिया है तोहफा, 30 लाख मजदूरों को 1,000 रुपए का भत्ता। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे आप लाभ पा सकते हैं इस भत्ते का। उससे आगे बताएंगे, जहाँ पर लगातार मौतों से भड़का अमेरिका, चीन को सजा देने की है तैयारी। बताएंगे दोस्तों कैसी तैयारी। उससे आगे बताएंगे, जहां पर 162 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये, जाने किस राज्य में हुआ कितना सस्ता, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आप भी लाभ पा सकते हैं सिलेंडर का दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर अब खाड़ी देशों ने भी भारत से मांगी है मदद। जी हाँ दोस्तों, अब दवाइयों से नहीं बल्कि इन चीजों से मदद मांगी है उन देशों ने मोदी सरकार से दोस्तों, तो बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आपकी इच्छा हो। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों छात्रों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन, मोदी सरकार ने दी है इजाजत। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच लॉकडाउन में फंसे लोगों को ट्रेनों के जरिए उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जाने की अनुमति मोदी सरकार ने दे दी है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने फंसे छात्रों और मजदूरों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने की आज अनुमति दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने मजदूरों को गृह राज्य भेजने सहित तमाम गाइडलाइन जारी करके ये इजाजत दी है दोस्तों, जिसके बाद देश के कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों के साथ ही तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों के आवागमन को भी मंजूरी दी गई है। लॉकडाउन में फंसे ऐसे लोगों के लिए रेल मंत्रालय के जरिए विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी। वहीं राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए रेल मंत्रालय के जरिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के इस निर्णय को अगर आप सही मानते हैं, मानते हैं कि केंद्र सरकार ने ये जनहित में इस आदेश को जारी किया है दोस्तों, तब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और आप मानते हैं कि मोदी सरकार अपने देश के लोगों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है दोस्तों, तो जरूर अपनी राय दीजिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि योगी सरकार ने दिया है तोहफा, 30 लाख मजदूरों को 1,000 रुपए का भत्ता किया है जारी। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूर दिवस पर शुक्रवार को मजदूरों को सौगात दी है। राज्य सरकार ने 30 लाख मजदूरों को भत्ते की किस्त जारी की है। साथ ही आज मई दिवस के मौके पर राशन देने की दूसरी किस्त की भी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों, रोज कमाने वाले ठेली, खोमचा, रेडी, रिक्शा, ई रिक्शा, कूली, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 16 श्रेणी के कामगारों, धोबी, मिस्त्री, मोची, नाई, कुम्हार, राजमिस्त्री आदि के लिए भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक ऐसे 30 लाख निर्माण श्रमिकों के साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज हम एक बार फिर से अपने 30 लाख श्रमिक वर्ग को दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये बड़ा तोहफा दिया गया है योगी सरकार की ओर से। अगर दोस्तों आप मानते हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है और आगे भी उनकी आप सरकार को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप लोग प्रधानमंत्री मोदी को कब तक के लिए उनको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और योगी सरकार के लिए क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि फिर आतंकियों के बचाव में पाकिस्तान यूएनएससी से कहा, हमें नहीं मिल रहा है आपकी सूची के आतंकी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दुनिया भर में आतंक के पनाहगार बने पाकिस्तान ने खुद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के आगे
साफ दिखाने के लिए अपने यहां आतंकियों की सूची से 4000 नाम को हटा दिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने यूएनएससी की निगरानी कमेटी की टीम से कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए नाम में से कई आतंकियों की पहचान करने में असमर्थ है क्योंकि उनकी जानकारी अधूरी है। दरअसल यूएनएससी ने पाकिस्तान में 130 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी। जी हां दोस्तों, तो पाकिस्तान अपनी पूरी बचाव में लगा हुआ है लेकिन यूएनएससी पूरी तरह से पीछे पड़े हुई है। दोस्तों अगर आप मानते हैं कि यूएनएससी को कड़े एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी जल्द से जल्द दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर आपको बता दें कि लगातार मौतों से भड़का अमेरिका, चीन को सजा देने की है तैयारी। आपको बता दें दोस्तों कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर जंग जारी है। अमेरिका लगातार चीन को इस वायरस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि यह जानलेवा वायरस चीन के वुहान लैब से ही निकला है। इसी बीच अमेरिका में हो रही मौतों से बौखलाए ट्रंप प्रशासन ने अब चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दरअसल सीएनएन ने ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप प्रशासन कोरोना वायरस महामारी के लिए कई मोर्चे पर चीन को दंडित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार कर रही है जिसमें कई कठोर कदम उठाने पर विचार हो रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और अन्य देशों को भी अमेरिका का साथ देना चाहिए चीन को सजा दिलाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर अब खाड़ी देशों ने भारत से मांगी मदद, दवाएं नहीं बल्कि ये चीजें भेजने को किया है आग्रह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज के बीच मैत्रीपूर्ण रिश्ते आज भी कायम है। इस बात का ताजा उदाहरण देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस से जंग में भारत से कुवैत, ओमान, बहरीन और सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों ने डॉक्टर और नर्सों की टीम भेजने का निवेदन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, खाड़ी देशों को भारत संघ रिश्ते की अहमियत है और वह महामारी कोरोना वायरस के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर प्रमुखता से बात करना चाहते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत की ओर से इन देशों को रमजान के महीने में पर्याप्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। इन सभी देशों के शीर्ष नेताओं ने वहाँ पर रहने वाले सभी भारतीयों की हर संभव मदद की बात की है। इसके अलावा भारत इन देशों में भारतीय नागरिकों को निकालने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। तो दोस्तों देखा आपने, औसतन सारे लगभग देश भारत पर टिके हुए और भारत से यानी मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों अगर इसको लेकर आप मोदी जी पर गर्व करते हैं और कितना गर्व करते हैं दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर आपको बता दें कि 162 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, जाने किस राज्य में हुआ कितने रुपए सस्ता। आपको बता दें दोस्तों, लगातार तीसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत कटौती की गई है। मई महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 162 यानी 162 रुपीस की कटौती की गई है। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 744 रुपए से घटाकर 581 रुपए 50 पैसे हो गई है। मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 579 हो गई है जबकि पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 714 रुपए 50 पैसे थी। कोलकाता में सिलेंडर की कीमत 190 रुपए की कटौती हुई है, अब यहां एक सिलेंडर 584 रुपए 50 पैसे हो गया है। जी हां दोस्तों, वहीं हर राज्य की हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं दोस्तों, आप उसमें देख सकते हैं। और अगर इसमें आपका राज्य नहीं है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और आप अगर मानते हैं कि सरकार बिल्कुल सही कर रही है दोस्तों सिलेंडर का दाम कम करके, और किन चीजों में उनको दाम कम करना चाहिए दोस्तों, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 3 मई के बाद लॉकडाउन से मिलेगी छूट, उद्धव ठाकरे ने कहा सावधानी से बढ़ेंगे आगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि वह कुछ इलाकों में 3 मई के बाद लॉकडाउन से छूट देंगे। उन्होंने कहा कि वह आने वाले समय में सावधानी से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि 3 मई के बाद निश्चित रूप से हम कुछ इलाकों की स्थिति को देखते हुए छूट देंगे, लेकिन आप सभी सतर्क रहें और सहयोग करें, अन्यथा पिछले कुछ दिनों में हमने जो भी कुछ हासिल किया है वह बेकार हो जाएगा। ठाकरे ने कहा कि हम धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर देश में 23% कम हुए रेड जोन लेकिन ऑरेंज जोन 37% बढ़े हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरह से खुशखबरी है दोस्तों।
दोस्तों कि भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा था, संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही थी साथ में, जिसको लेकर अब एक अच्छी खबर है दोस्तों। आपको बता दें कि जो रेड जोन था, जहां पर ज्यादा से ज्यादा संक्रमितों की संख्या थी और उस एरिया को सील कर दिया गया था रेड जोन में, अब वो रेड जोन दोस्तों ऑरेंज जोन में तब्दील हो गई है। बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों कि रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गए हम लोग और जल्दी ग्रीन जोन में आएंगे। अगर आप इसके लिए आप अगर मानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार में ये सब पॉसिबल है और हम ग्रीन जोन में जरूर आएंगे दोस्तों, तो आप मोदी जी के बारे में दो लाइनें जरूर लिख दीजिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोटा से बच्चों को लाने भेजी है 40 बसें, लौटने पर 14 दिन तक रहना होगा क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान है कि जो भी बच्चे कल कोटा से वापस आएंगे उनको क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया जाएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, फिलहाल जांच में रोक लगाने से किया है इनकार। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि पालघर, महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। इस संबंध में दायर याचिका में पालघर मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जांच राज्य CID से वापस लेने की मांग की गई थी। पालघर में बच्चों के चोर की अफवाह के बीच गुस्साए ग्रामीणों ने एक वाहन में सवार 2 साधुओं सहित 3 लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्देश दिया है और जांच को जारी रखने की बात की है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों जो लोग पालघर की जांच को बंद करवाना चाहते हैं। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबरें कैसी लगे, जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तब तक मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।